ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत देखने को मिली, जहां गंगा नदी में नाले का केमिकल युक्त पानी गिर रहा है, जिससे कांवड़ियों और आम श्रद्धालुओं में काफी रोष है। आपको बता दें कि सावन में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए गंगा जल लेने इसी जगह आते हैं और इसी जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि केमिकल झाग युक्त पानी गंगा नदी में कितनी तेजी से जा रहा है और सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। गिर रहे इस नाले को अगर बंद नहीं किया गया तो वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। गंगा नदी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में संगम शहर प्रयागराज के संगम तट पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, कांवड़िया आते हैं और गंगा जल को यहां से लेके जाते हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आखिर संगम शहर प्रयागराज के संगम तट की क्या तस्वीरें हैं, हम एक बार आपको फिर से दिखाएंगे कि आप देखिए कि हमारे ठीक सामने ये एक नाला है जो बहुत बड़ा नाला है और यहाँ से किस तरीके से जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, वो सीधे गंगा जी में जा रहा है और इसी गंगा का जल ले करके कांवड़िए जाते हैं और वो भोले शंकर को चढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर कांवड़िए भी हैं, आम श्रद्धालु भी हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, आप ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि कितना गंदा ये प्रदूषित जल सीधे जा रहा है, इतने दावे किए थे सरकार ने, क्या कहना चाहते हैं, कितना कष्ट होता है? दावा किया था सरकार गंगा मैया साफ होंगे, एकदम पवित्र होंगे, देख रहे हो यहाँ पे कितना कचरा जा रहा है, देख रहे हो गंगा मैया यहीं से हम लोग जल चढ़ा के ले जा रहे हैं और शंकर भगवान के प्रभु उसके उनके सर पे चढ़ा रहे हैं, कचरा जा रहा है, हम लोग जल चढ़ा रहे, गंगा मैया बोल रहे पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, क्या पवित्र हो गया, देखो देख रहे हो जा ही रहा है। ये बताओ कितना दुख होता है? ये तो बात बराबर है, दुख होता है, हाँ होता है, क्या करें, क्या कर सकते हैं, सिर्फ बोल सकता हूँ बस, तो क्या करोगे? बिल्कुल देखिए काफी दुख में है हम यहाँ के, जो ठीक देख सकते हैं कि ठीक सामने एक मंदिर भी है या फिर कहीं अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है। हमारे साथ वहाँ के पुजारी साहब भी हैं, अखाड़े से जो जुड़े हैं, हम आपसे बात करेंगे कितने दिनों से ये समस्या है और कितनी विकट समस्या है ये तो काफी दिनों से इसका कभी समाधान तो कभी हुआ ही नहीं है। आजू बाजू लोग अखाड़ा तो आज आया है और आज हमारे महाराज जी ने आज इसका विरोध किया है और काफी समय पहले से इसका नाला चालू है, कई समय से यहाँ आ रहा पानी, इसको दो तीन बार शिकायत भी कर दी है एसडीएम महोदय जो कोई शिकायत की थी और अदर लोग महाराज जी ने शिकायत की थी किसी किसी को। 24 घंटे ऐसे निकलता है? हाँ 24 घंटे यहाँ पानी निकलता है और इस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, अभी तो कम है और बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है और आगे भी और लोग भी यहाँ पर लेट बहुत सारा मतलब गलत काम करते है, यहाँ पर गंदगी बहुत से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने दावे किए थे कि हम गंगा है उसको हम स्वच्छ रखे हैं, लेकिन उनके दावे की आखिर क्या सच्चाई है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कांवड़िए काफी नाराज हैं, कांवड़ियों कहना है कि जो गंगा जल वो लेके जा रहे हैं वो प्रदूषित ले आ रहे हैं और उन्होंने तमाम दावे जो सरकार ने किए थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। ऐसे नमामि गंगे की क्या सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़िए गुस्से में है, स्थानीय लोग गुस्से में है, अब सरकार को जागना होगा क्योंकि इसी गंगा के सहारे राजनीति होती है, लेकिन गंगा की क्या असल तस्वीर है ये आप खुद ही देख लें। ऐसे में पूरे सावन के महीने में लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, कांवड़िए आते हैं और यही गंगा जल ले आकर के भोले शंकर को चढ़ाते हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज।